दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुवैत की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक यात्री के रूप में मैं इस आश्चर्यजनक देश का पता लगाने और इसके कुछ छिपे हुए रत्नों की खोज करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली रहा हूं। तो चलिए सीधा इन जगहों को जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुवैत टावर्स है। ये 3 टावर कुवैत के एक प्रतिष्ठित प्रतीक हैं और इस अद्भुत देश की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इन्हें जरूर देखना चाहिए। पहला टावर 187 मीटर ऊंचा है और इसमें एक व्यूइंग प्लेटफार्म है जो शहर के शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरे टावर में एक रेस्टोरेंट और एक कैफे है जहां आप अरब खाड़ी के लुभावने दृश्यों का आनंद लेते हुए कुछ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। और तीसरे टावर का उपयोग जल भंडारण के लिए किया जाता है। टावरों को नीले हरे रंग की टाइलों से ढका गया है जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं, जिससे ये वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य बन जाते हैं और रात में ये रंगीन रोशनी से जगमगा उठते हैं, जिससे ये और भी सुंदर लगते हैं। इसलिए यदि आप कुवैत की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कुवैत टावर्स को अपने यात्रा कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। सूची में अगला अल शहीद पार्क है। यह पार्क कुवैत के प्राकृतिक परिदृश्य की खूबसूरती का अनुभव करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी जगह है। जैसे ही आप पार्क में घूमेंगे आप इसकी शानदार वास्तुकला और डिज़ाइन से प्रभावित हो जाएंगे। पार्क में कई अनूठी वास्तुकला संरचनाएं हैं जिनमें एक खूबसूरत मस्जिद, एक अत्याधुनिक मेहमान केंद्र और एक लुभावना सुंदर वनस्पति उद्यान शामिल है। अल शहीद पार्क के मुख्य आकर्षणों में से एक स्काई वॉक है। यह ऊंचा वॉकवे पार्क के बगीचों और जल सुविधाओं के साथ साथ आसपास के शहर के नज़ारे का शानदार नज़ारा भी पेश करता है। यह फोटो खिंचवाने या सिर्फ शानदार नज़ारे देखने के लिए एकदम सही जगह है। पार्क में कई आउटडोर गतिविधियां हैं जिनमें एक स्केट पार्क, बास्केटबॉल कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक शामिल है। सक्रिय होने और खूबसूरत परिवेश का आनंद लेने के लिए इस अद्भुत पार्क में बहुत सारे मौके हैं। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर तारिक रजब संग्रहालय है। यह संग्रहालय इस्लामी कला और संस्कृति का खजाना है। इसमें दुनिया भर की 30,000 से ज़्यादा कलाकृतियां हैं। संग्रह में चीनी मिट्टी की चीज़ें, कपड़े, गहने, सुलेख और बहुत कुछ शामिल है। इसमें दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियां हैं जो 7वीं शताब्दी की हैं। जटिल सुलेख और सुंदर चित्रण लुभावने दृश्य हैं। एक और जरूर देखने लायक प्रदर्शनी भी है, पारंपरिक कुवैती घर। यह पूरी तरह से बहाल किया गया घर है जो पारंपरिक कुवैती वास्तुकला और डिज़ाइन को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि तेल की खोज से पहले कुवैत में लोग किस तरह रहते थे और वे अपने घरों को कैसे सजाते थे। तारिक रजब संग्रहालय में एक सुंदर बगीचा भी है जो आराम में से टहलने के लिए एकदम सही है। यह विदेशी पौधों और फूलों से भरा हुआ है और यहाँ मछलियों और कछुओं वाला एक छोटा तालाब भी मौजूद है। यह शहर के बीच में एक शांतिपूर्ण नखलिस्तान है। हमारी सूची में चौथा स्थान वैज्ञानिक केंद्र है। सलमिया में स्थित यह केंद्र वैज्ञानिक ज्ञान और मनोरंजन का केंद्र है। यह परिवारों, छात्रों और नई चीज़ें सीखने के शौकीन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक एक्वेरियम है। यह शार्क, स्टिंगरे और समुद्री कछुओं सहित समुद्री जीवन की 100 से ज़्यादा प्रजातियों का घर है।
आप गोताखोरों को मछलियों को खाना खिलाते और उनके साथ नजदीक से बातचीत करते भी देख सकते हैं। एक और जरूर देखने लायक जगह है आईमैक्स थिएटर। यह अपनी विशाल स्क्रीन और अत्याधुनिक साउंड सिस्टम के साथ एक अनूठा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। आप यहां शैक्षिक वृत्तचित्र या ब्लॉकबस्टर फिल्में भी देख सकते हैं। अगर आप अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि रखते हैं तो प्लेटेनरियम को देखना ना भूलें। यह एक गुंबद के आकार का थिएटर है जो आपको सौरमंडल और उससे आगे की यात्रा पर ले जाता है। आप सितारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। इन आकर्षणों के अलावा साइंटिफिक सेंटर में बच्चों के लिए एक डिस्कवरी पैलेस, स्मृति चिन्हों के लिए एक उपहार की दुकान और खाने के लिए कई रेस्टोरेंट भी हैं। कुल मिलाकर कुवैत में अपना दिन बिताने के लिए साइंटिफिक सेंटर एक शानदार जगह है। सूची में 5वें नंबर पर फैलाका द्वीप है। यह द्वीप एक ओपन एयर संग्रहालय है जो पारंपरिक कुवैती वास्तुकला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह कुवैत और उसके लोगों के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक शानदार जगह है। फैलाका द्वीप वन्य जीव अभयारण्य है। यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है जिसमें गजेल, खरगोश और यहाँ तक कि कुछ विदेशी पक्षी प्रजातियाँ भी शामिल हैं। यह सैर करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। अगर आप धूप में कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो फैलाका द्वीप बीच पर जाएं। क्रिस्टल साफ क्लियर पानी और मुलायम रेत इसे तैराकी, धूप सेकने या बस एक अच्छी किताब के साथ आराम करने के लिए एकदम सही जगह बनाते हैं। कुल मिलाकर फैलाका द्वीप कुवैत की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी जगह है। अपने समृद्ध इतिहास, शानदार वन्य जीवन, खूबसूरत समुद्र तटों और सांस्कृतिक आकर्षणों के साथ यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फैलाका द्वीप की अपनी यात्रा की योजना आज ही बनाना शुरू करें। आगे बढ़ते हुए हमारे पास ग्रैंड मस्जिद है। ग्रैंड मस्जिद एक शानदार वास्तुशिल्प कृति है जो इस्लामी संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करती है। यह कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसमें एक बार में लगभग 10,000 तक नमाज पढ़ने वाले लोग आ सकते हैं। मस्जिद को जटिल डिजाइन, सुलेख और सुंदर झूमरों से सजाया गया है जो इसकी भव्यता में चार चांद लगाते हैं। दीवारें संगमरमर से बनी हुई हैं और फर्श नरम कालीनों से ढके हुए हैं जो इसे प्रार्थना और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। ग्रैंड मस्जिद की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका विशाल गुंबद है जो ऊंचा और गर्व से खड़ा है। गुंबद को ज्यामितीय पैटर्न और अरबी सुलेख के साथ खूबसूरती से सजाया गया है जो इसे देखने लायक बनाते हैं। मस्जिद की एक और दिलचस्प विशेषता इसकी मीनार है जो कुवैत में सबसे ऊंची है। यह 74 मीटर ऊंची है और इसमें एक अवलोकन डेक है जो शहर का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ग्रैंड मस्जिद में एक पुस्तकालय भी है जिसमें इस्लामी पुस्तकों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह है। विजिटर इन पुस्तकों को ब्राउज कर सकते हैं और इस्लाम और इसकी शिक्षाओं के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। सूची में 7वें स्थान पर लिबरेशन टावर है। 372 मीटर ऊंचा यह टावर 1991 में इराकी कब्जे से कुवैत की आज़ादी का प्रतीक है। यह कुवैत शहर के केंद्र में स्थित है और शहर के शानदार नज़ारे पेश करता है। टावर के ऊपरी तल पर एक अवलोकन डेक है जो विजिटरों के लिए खुला हुआ है। यहाँ से आप फारस की खाड़ी और इसके खूबसूरत तटरेखा सहित पूरे शहर को देख सकते हैं। टावर की वास्तुकला भी देखने लायक है। इसे आधुनिक मोड़ के साथ
पारंपरिक इस्लामी मीनार जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है। बाहरी भाग जटिल ज्यामितीय पैटर्न से सुसज्जित है और टावर रात में रोशन होता है, जिससे इसे दूर से देखना और आश्चर्यजनक दृश्य बन जाता है। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आप टावर के महत्व की सराहना भी जरूर करेंगे। इसे इराक से कुवैत की मुक्ति की याद में बनाया गया था और इसका निर्माण 1993 में पूरा हुआ था। इसके बाद हमारे पास सूक अल मुबारकिया है। जैसे ही आप इस पारंपरिक बाजार में कदम रखेंगे, आप एक अलग युग में पहुंच जाएंगे। चहल पहल भरी सड़कों पर मसालों से लेकर सोने के गहनों तक सब कुछ बेचने वाले विक्रेता खड़े हैं। यह इंद्रियों के लिए एक दावत है। सूक अल मुबारकिया की एक खासियत यहाँ का खाना है। आपको यहाँ कुवैती के कुछ सबसे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन मिलेंगे। मछबूस जरूर आजमाइए। यह मसालेदार चावल का व्यंजन है जिसे आप अपनी पसंद के मीट के साथ खा सकते हैं और इसे मीठी चाय के साथ पीना ना भूलें। खाने के अलावा यहाँ कई दुकानें भी मौजूद हैं जो अनोखी स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प बेचती हैं। आपको हाथ से बुनी टोकरियों से लेकर जटिल मिट्टी के बर्तनों तक सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज जो सूक अल मुबारकिया को दूसरे बाजारों से अलग बनाती है, वह है इसकी खूबसूरत वास्तुकला। इमारतों को जटिल इस्लामिक डिजाइन और रंगीन टाइलों से सजाया गया है। यह वाकई देखने लायक नजारा है। सूची में 9वें स्थान पर अल कोवट मॉल है। आप इसकी शानदार वास्तुकला और डिजाइन से दंग रह जाएंगे। मॉल पारंपरिक और आधुनिक शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जिसमें जटिल विवरण और सुंदर प्रकाश व्यवस्था है जो एक जादुई माहौल बनाती है। अल कोवट मॉल में मेरी पसंदीदा जगहों में से एक आउटडोर क्षेत्र है, जहां आप कुछ खुदरा चिकित्सा का भी आनंद लेते हुए समुद्र के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ताड़ के पेड़ और फुहारे शांत वातावरण में चार चांद लगाते हैं, जो इसे आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। अगर आप मेरी तरह खाने के शौकीन हैं तो अल कोवट मॉल में आपके लिए कई विकल्प होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चैन से लेकर स्थानीय भोजनालयों तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। और सबसे अच्छी बात, फूड कोर्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है, जहाँ से आप भोजन करते समय आसपास के क्षेत्र के लुभावने दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको मनोरंजन के भी कई विकल्प मिल जाते हैं। यहाँ अत्याधुनिक स्क्रीन और साउंड सिस्टम है जो एक यादगार मूवी अनुभव प्रदान करते हैं। और अगर आप कुछ ज़्यादा सक्रियता की तलाश में हैं तो बॉलिंग एली या आर्केड में जाकर कुछ मज़ेदार गेम भी खेल सकते हैं। सूची में आखिरी और 10वां स्थान अब्दुल्ला अल सलेम सांस्कृतिक केंद्र है। यह सांस्कृतिक केंद्र वास्तुकला और डिजाइन की एक सच्ची कृति है। यह एक विशाल परिसर है जिसमें कई संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, थिएटर और अन्य सांस्कृतिक सुविधाएँ हैं। पूरा परिसर 13 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मध्य पूर्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। इस केंद्र की सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक इसका अनूठा डिजाइन है। वास्तुकला पारंपरिक इस्लामी और आधुनिक शैलियों का मिश्रण है, जो इसे एक बहुत ही अलग रूप देता है। केंद्र में कई बाहरी स्थान भी मौजूद हैं जो खूबसूरती से भूनिर्मित हैं और आसपास के क्षेत्र के शानदार दृश्य पेश करते हैं। केंद्र के अंदर आपको कई संग्रहालय मिल जाते हैं जो कुवैत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय विशेष रूप से प्रभावशाली है, जिसमें प्रागैतिहासिक जीवों के आदमकद मॉडल और इंटरैक्टिव प्रदर्शन है। विज्ञान संग्रहालय भी देखने लायक है, जिसमें व्यवहारिक प्रदर्शन है जो सभी उम्र के लोगों के लिए सीखने को मज़ेदार बनाता है। संग्रहालयों के अलावा केंद्र में कई थिएटर और प्रदर्शनी हॉल हैं, जहां साल भर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। कला प्रदर्शनियों से लेकर संगीत प्रदर्शनों तक
अब्दुल्ला अल सलेम सांस्कृतिक केंद्र में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दोस्तों, ये हैं कुवैत की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस खूबसूरत देश की अपनी अगली यात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।